क्वेश्चन टू हाफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर गिवन बिलो। पहली रिएक्शन ये, दूसरी वाली ये, ठीक है। और लिखा है कंस्ट्रक्ट द रिडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन इज रिएक्ट इन फेवर और प्रोडक्ट फेवर। तो इसमें हम लोग पहले कह रहा है कि हाफ रिएक्शन लिखिए, फिर आप बताइए प्रोडक्ट फेवर है कि रिएक्टेंट फेवर्ड। तो ठीक है, हम लोग पहले हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये MnO4 माइनस है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जो आप लोग मानो तो 7+ हो जाएगा, और यहाँ पे बना रहा है Mn2+। तो ये ऐसे हो जाएगा Mn7+ से Mn2+, फिर ये इसको बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ सॉल्यूशन हो गई। और फिर यहाँ पे SN2 से SN4 बन रहा है सेकेंड वाले रिएक्शन में, तो इसको बैलेंस कर लिए +2 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ रिएक्शन होगी। अब इधर से हम लोग को ये मालूम चल जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, ये लियोजर जर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे गेन हुआ है, इसमें गेन हुआ है इस रिएक्शन में, इसमें लॉस हुआ है। और हम लोग ये भी जानते हैं रिडक्स कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है। तो ये कैथोड वाली रिएक्शन हो गई और ये एनोड वाली रिएक्शन हो गई। तो कैथोड वाली रिएक्शन के लिए, कैथोड वाली रिएक्शन ये, एनोड वाली ये, तो हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। तो ई नॉट सेल हो जाता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड हम लोग का है +1.51, और माइनस ई नॉट एनोड 1.15 है, 0.15। तो ई नॉट सेल हम लोग का हो जाएगा प्लस करने पे 1.66 वोल्ट। और जबकि ई नॉट सेल पॉजिटिव है, और हम लोग को जो अब बताना है, पहले ई नॉट सेल में बता मालूम चल गया, हम लोग बताना था ये रिएक्टेंट फेवर्ड है ये प्रोडक्ट। तो डेल्टा जी अगर निगेटिव होता है तो प्रोडक्ट फेवर होता है, अगर डेल्टा जी प्रोडक्ट फेवर, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्टेंट फेवर होता है। और यहाँ से हम लोग को ई नॉट सेल मालूम चल गया है। तो ई नॉट और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट का -NF ई नॉट सेल। तो एन पॉजिटिव ही है, ई नॉट सेल भी पॉजिटिव है, तो फैराडे 965 डिग्री होता है, मतलब डेल्टा जी अपना निगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट फेवर रिएक्शन है, प्रोडक्ट फेवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।